हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैं अभी हूँ ब्रजेंद्र नगर पे, ठीक है। ये धर्मनगर के पास ही है, इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर के साइड है, ठीक है। तो अभी कोई गाड़ी नहीं है, तो मुझे 2-3 किलोमीटर दूर जाना है, तो पैदल ही चलना होगा। तो मैं सोचा कि उन्हें एक वीडियो बना देता हूँ आप सब लोगों के लिए, ठीक है। धूप भी बहुत है तो गर्मी भी है, तो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या करो, जाना तो पड़ेगा, तो क्यों ना एक वीडियो बना देता हूँ। बात करते करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा, ये थोड़ा गांव टाइप का एरिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसीलिए शायद गाड़ी नहीं मिल रहा है। जो इस तरह के गांव के लोग हैं, वो इस टाइम पे वो धर्मनगर जाते हैं काम के लिए, तो दोपहर से लौट जाते हैं, ठीक है। शुरू होता है गाड़ी आना, तो अभी तो सिर्फ यही से जा रहा है गाड़ी, तो इसीलिए मुझे कोई नहीं मिल रहा है। तो गाड़ी नहीं मिल रहा है तो क्या करोगा, जाना तो पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही मुझे पैदल चलने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर भी चलेगा। तो मेरा पैर थोड़ा थोड़ा दुख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जा सकता हूँ। Yeah.
जी मैंने देखा है एक हाथी से पेड़ को एक जगह से दूसरी जगह ला जा रहा है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का ही काम है, ठीक है, लेकिन इसमें एक गड़गड़ने की बात है। मैंने जो देखा बहुत ही बुरा लगा कि एक जीप को ऐसे टॉर्चर किया जा रहा है, वो बात नहीं कर सकता, कुछ समझ नहीं रहा है, तो इससे पीट के मार के भी अपना निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बुरी बात है, ये समझ नहीं रहा है इसीलिए कुछ भी कर रहा है। अगर वो समझ जाता तो ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। तो क्या करें, बहुत ही, और एक सीख भी मिलते हैं हम लोगों को, ठीक है, जो एक जीव होकर भी बात सुनता है, लेकिन हम ह्यूमन होकर भी कुछ कुछ वक्त तो ऐसे ऐसे काम कर देते हैं वो कोई जीव भी नहीं करता, ठीक है। दोस्तों ये दूसरा दिन है, तो वहाँ से जब मैं लौटा तो रास्ते में जो जो सीन आया, मैं जो मोबाइल पे कैप्चर किया तो वो सब आपके सामने दिखाया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट कर देना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।